धनबाद के आदिवासी मोहल्ले के एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मुन्ना शर्मा को उसके दोस्तों ने मेला घूमने के लिए फोन कर बुलाया, फिर घर वालों की जानकारी दी गई कि हॉर्न बजाने को लेकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो दोस्तों ने मुलाकात नहीं करने दी और सुबह खबर की दी कि मुन्ना की मौत हो गई है। परिजनों ने थाने में नामजद मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुन्ना शर्मा का क्या कसूर था? उनके दोस्तों ने फोन करके यह कहा रात में 1 बजे कि 5 मिनट के लिए हम लोग के साथ आ जाओ। बताया जाता है कि पंपू तालाब के पास वो जैसे ही मुन्ना शर्मा गया तो फिर उसके दोस्त ने 1 घंटे बाद फोन किया कि आपके बच्चे को किसी ने मारपीट किया है, उसको हम लोग अस्पताल लेकर चले आए हैं। मामला ये है कि वो हॉर्न बजा रहा था और वो लोग विरोध कर रहे थे। सवाल यह खड़ा होता है, यदि कोई हॉर्न बजा दिया तो क्या उसको सजा मौत है? खैर जो भी हो, पुलिस ऐसे मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन आज इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मौजूद है इनकी बहन, ये बताइए कि क्या पूरा घटना था? मेरा माँ जाते जाते मेरा भाई लहर नहीं रहा, वो मतलब मारा उसी समय उसका आखिरी सांस चल रहा था। अच्छा, किस पे आप लोगों को शक जा रहा है? दोस्त ऐसा के ऊपर शक है सर, दोस्त ही उसका कोई मारा है। दोषी मारा है और मेरा केस को दबाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा केस को उठाया जाए। खाली फोन आया वही खाली हमको मालूम है। मेन गार्जियन हमारा वही था, काम धंधा वही करता था, दिखाना सुनाना सब वही करता था। हमको बदला चाहिए नहीं तो अथी चाहिए। का लोग यहाँ से इसको बुला के ले गया था तो वो लोग अपना आज से नहीं, वो लोग बचपन का दोस्त था, तो वो शक तो ऐसा नहीं है अभी तक किसी पे। सब गवाही वही सब दे रहा। पूरी जो परिवार है गमगीन में है और इस घर में अभी चूल्हा नहीं जल रहा है, तो हम यह कहें कि पुलिस से ये लोग न्याय मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को भी वैसे अपराधियों को सबक सिखानी चाहिए। इस समय सहयोगी महेश के साथ अशोक कुमार सिंह, न्यूज 11 भारत, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।